हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप एंड आप देख रहे हैं लर्निंग टेक्निकल 2.0 यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आपको तो जरूर पता होगा कि मैंने दो दिन पहले मेरा चैनल पे जो है एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, जहां पर मैं बेसिकली आपको दिखा था कि आपका जो मोबाइल फोन पे काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसका स्टोरेज को आप कैसे मोबाइल का जो भी स्टोरेज है इंटरनल स्टोरेज वहां पर से ट्रांसफर करके आपका जो भी एसडी कार्ड है, बेसिकली जो मेमोरी कार्ड आप यूज करते हैं उसमें ट्रांसफर करेंगे वो काइन मास्टर एप्लीकेशन का मेमोरी को। ओके, तो फ्रेंड्स सिंपल सा मैं वहां पर दिखाया था कि एक छोटा सा एप्लीकेशन को यूज करके सिंपल सा हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोसेस को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस को अप्लाई करेंगे हम हमारा मोबाइल फोन के मदद से। ओके, तो गाइस मैंने जो शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था वहां पर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिए है। ओके, तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करके मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं एंड सिंपल सा ये एप्लीकेशन को यूज करके हम कैसे हमारा मोबाइल फोन का काइन मास्टर एप्लीकेशन का स्टोरेज को ट्रांसफर करेंगे हमारा जो भी मेमोरी कार्ड है वो देख लेते हैं। ओके, तो गाइस सिंपल सा ये प्रोसेस को करने के लिए हमें मोबाइल फोन पे जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप जाके वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल फोन पे जो है वो डाउनलोडेड ऑलरेडी है, तो यहाँ पर वो शो हो रहा है। बेसिकली उसका नाम है ऑटो ट्रांसफर। ओके, तो आप डायरेक्ट इसको जो है प्ले स्टोर के मदद से डाउनलोड भी कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन पे तो लिंक दिया हुआ है। ओके, जाके आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सिंपल सा फ्रेंड्स आप हमें कुछ नहीं करना, मोबाइल का जो भी फाइल मैनेजर है सिंपल से उसको ओपन कर लेंगे। देख सकते कि फाइल मैनेजर धीरे धीरे ओपन हो रहा है, तो सबसे पहले फाइल मैनेजर को ओपन हो जाने देंगे एंड यहाँ पर आपका मोबाइल का जो भी फाइल वाला सेक्शन है उसमें आ जाएंगे। जैसे आ जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स मेरा मोबाइल का जो भी इंटरनल स्टोरेज है एंड मेरा मोबाइल का जो भी एचडी कार्ड बेसिकली जो मेरा मेमोरी कार्ड है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मेरा मेमोरी कार्ड में जो है उसको ट्रांसफर करूंगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मेरा मोबाइल का जो भी इंटरनल स्टोरेज है इसको मैं एसडी कार्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, तो आपका मोबाइल के हिसाब से जो है इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स एसडी कार्ड के अंदर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है एक फोल्डर बेसिकली क्रिएट करना पड़ेगा, तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल सा मैं आपको इसके पहले एक वीडियो दिया है जहां पर मैं दिखाया था कि कैसे आप आपका मोबाइल फोन का जो भी फाइल मैनेजर है वहां पर आके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो वो वीडियो को देख के आ सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर आ जाने के बाद जो है क्रिएट फोल्डर के ऊपर आ जाएंगे एंड यहाँ पर जो है एक फोल्डर में क्रिएट कर लूंगा। ओके, तो जो फोल्डर में क्रिएट कर लूंगा उसका नाम होगा काइन मास्टर। ओके, तो मैं यहाँ पर जो है सिंपल सा काइन मास्टर बोल के वो फोल्डर को क्रिएट कर लूंगा। देख सकते कि काइन मास्टर बोल के एक फोल्डर ऑलरेडी आ गया है। सिंपल सा फोल्डर को हमें ओपन करना पड़ेगा एंड फोल्डर के अंदर आ जाने के बाद मुझे एक दूसरा फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा इस काइन मास्टर जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया इसके अंदर में। ओके, तो चलिए दूसरा एक फोल्डर को भी मैं सेम प्रोसेस से जो है क्रिएट कर लूंगा, यहाँ पर उसका नाम दूंगा एक्सपोर्ट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक्सपोर्ट बोल के जो है उसको हम यहाँ पर दे देते हैं। तो देख सकते हैं एक्सपोर्ट बोल के एक फोल्डर मैंने यहाँ पर ओके करके क्रिएट कर लिया है, देख सकते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल सा बैक आ जाना है एंड हमारा जो भी फाइल मैनेजर है उसको सिंपल सा ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हमारा जो भी एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है उसको ओपन करेंगे। सिंपल सा वो ऑटो ट्रांसफर वाला जो फाइल है यानी कि जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे। तो होम पेज पे एक यहाँ पर जैसा शो हो रहा है आपको भी सेम तरीके का शो होगा। ओके, सिंपल सा एड न्यू टास्क के ऊपर आपको आ जाना है। जैसे ही आ जाएंगे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेज ओपन होके आ गया है। बेसिकली यहाँ पर नेम बोल के जो ऑप्शन है वहां पर आपको नेम दे देना है। ओके, एंड नीचे की तरफ आपको जो है कुछ फिल अप करना पड़ेगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइज अब आप यहाँ पर नेम जैसा देख रहे हैं यहाँ पर आप कोई भी एक नेम दे सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर जो है काइन मास्टर का ही नाम दे दूंगा। तो देख सकते हैं काइन मास्टर नाम दे दिया है। उसके नीचे आपको जो है सोर्स फोल्डर बोल के एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसके ऊपर आपको टैप करना पड़ेगा। तो देख सकते कि आपका मोबाइल का जो भी फाइल मैनेजर है वो यहाँ पर धीरे धीरे ओपन हो जाएगा, तो आपको जो है यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पर जो है आपको आपका यहाँ पर से जो भी सोर्स फोल्डर है बेसिकली जहां पर से आपका फाइल को कॉपी करना चाहते हैं यानी कि आपका मोबाइल का जो भी स्टोरेज है बेसिकली इंटरनल जो स्टोरेज है वहां पर से काइन मास्टर का जो भी फोल्डर है उसको कॉपी कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं। सिंपल सा मैं यहाँ पर जो है मेरा मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज को ओपन कर लूंगा। देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज ओपन हो गया है।
तो यहाँ पर से मैं काइन मास्टर का जो फोल्डर है उसको ओपन कर लूंगा। देख सकते हैं काइन मास्टर का फोल्डर ओपन हो गया है। ओके, इसके अंदर आपको जो है एक दूसरा फोल्डर मिल जाएगा एक्सपोर्ट बोल के, तो इसके ऊपर भी हम आ जाएंगे। जैसे ही आ जाएंगे नीचे के साइड आपको सिलेक्ट वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर टैप करना पड़ेगा। तो जैसे ही टैप करेंगे देख सकते हैं कि जो सोर्स फाइल है बेसिकली मेरा मोबाइल का जो भी इंटरनल स्टोरेज है वहां पर से काइन मास्टर का फोल्डर यहाँ पर कॉपी हो गया है। ओके, तो अब आपको मिल जाएगा डेस्टिनेशन फोल्डर, यानी कि आप जो फाइल में, यानी कि जो फाइल आपने क्रिएट किया है आपका मेमोरी कार्ड में, वहां पर आपका काइन मास्टर का जो भी फोल्डर है उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। ओके, तो सिंपल सा वो क्रिएटर जो फाइल मैंने क्रिएट किया है उसको यहाँ पर कॉपी कर लूंगा। तो चलिए देख लेते हैं सिंपल सा। अब हमें जो है एसडी कार्ड में आ जाना है, यानी कि मेमोरी कार्ड का जो फोल्डर क्रिएट किया है उसमें आ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर भी काइन मास्टर है एंड काइन मास्टर के अंदर एक्सपोर्ट वाला एक फाइल है। उसके ऊपर आ जाने के बाद सिलेक्ट को हम दोबारा ऑप्शन को जो है टिक कर मारेंगे। ओके, तो देख सकते हैं कि मेरा जो सोर्स फाइल एंड जो भी डेस्टिनेशन फोल्डर है वो दोनों यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, एकदम ऊपर की साइड जो है आपको एक लोगो मिल जाएगा, बेसिकली उसके ऊपर टैप कर देंगे। तो जैसे ही टैप करेंगे आपका ये जो फाइल आपने यहाँ पर क्रिएट किया है बेसिकली वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब हमें कुछ नहीं करना, इसको मिनिमाइज कर देंगे। जैसे ही मिनिमाइज कर देंगे अब चलिए हम मोबाइल का स्क्रीन में चलते हैं एंड देखेंगे कि फ्रेंड्स काइन मास्टर का जो भी फोल्डर है उसको हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे इसके अंदर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। गाइज अब हम काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिए है एंड यहाँ पर से जो है कोई भी एक फाइल को एक्सपोर्ट करके आपको दिखा देते हैं। ओके, तो सिंपल सा काइन मास्टर को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर से कोई भी एक जो फाइल है उसको मैं एडिट करके आपको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। सिंपल सा मीडिया वाला सेक्शन के ऊपर आ जाऊंगा एंड फ्रेंड्स यहाँ पर से मैं जो है मेरा एक थंबनेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है एक थंबनेल को सिलेक्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कि इस थंबनेल को ही मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करूंगा। ओके, सिंपल सा एक्सपोर्ट वाला बटन के ऊपर आ जाऊंगा एंड यहाँ पर से जो है एक्सपोर्ट कर दूंगा। देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट के ऊपर आ गए हैं हम एंड यहाँ पर से एक्सपोर्ट कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरा जो फाइल है वो यहाँ पर धीरे धीरे एक्सपोर्ट हो रहा है। ओके, तो आपको जो है यहाँ पर थोड़ी टाइम वेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं वीडियो को जो है थोड़ा सा पॉज कर देता हूं। तो गाइज अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो फाइल था वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है एक्सपोर्ट हो गया है। ओके, तो आप जो है यहाँ पर से भी इसको प्ले कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर से प्ले करके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो है लंबा नहीं करना चाहता। तो चलिए देख लेते हैं कि मेरा जो फाइल था वो क्या मेरा एसडी कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर हुआ या नहीं। ओके, तो चलिए काइन मास्टर एप्लीकेशन को सिंपल सा मिनिमाइज कर देते हैं एंड अब हम मोबाइल का होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो मोबाइल का होम स्क्रीन पे आ जाने के बाद यहाँ पर से फाइल मैनेजर को दोबारा ओपन कर लेंगे हम। तो देख सकते हैं कि फाइल मैनेजर धीरे धीरे ओपन हो गया है। सिंपल सा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो व्यू है वो यहाँ पर लैंडस्केप पे मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वीडियो को हम लैंडस्केप में ही क्रिएट कर रहे हैं। तो आप जरा सा जरा यहाँ पर ध्यान देके देखिए। ओके, सिंपल सा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है फाइल वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर आ जाएंगे एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल का ऑलरेडी जो है एसडी कार्ड यहाँ पर सिलेक्टेड है। ओके, तो मैं यहाँ पर से जो है, तो गाइज अब हम यहाँ पर से मेरा मोबाइल का जो भी एसडी कार्ड का मेमोरी में जो काइन मास्टर का फोल्डर क्रिएट किया था उसके ऊपर आ जाऊंगा। देख सकते हैं कि काइन मास्टर का फोल्डर यहाँ पर ऑलरेडी ओपन हो गया है। उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि एक्सपोर्ट वाला एक फाइल क्रिएट किया था। ओके, तो देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट वाला जो फाइल है उसको भी मैं यहाँ पर से ओपन कर लिया है। तो जैसे ही ओपन कर लेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो फाइल मैंने अभी एक्सपोर्ट किया है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। बेसिकली फ्रेंड्स मेरा वहां पर एक बार काट हो गया था एक्सपोर्ट का। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिस्ट में दो फाइल आपको दिखेगा। सिंपल सा एक ही फोल्डर है लेकिन दो फाइल आपको यहाँ पर दिखेगा। तो चलिए मैं इसको जो है सिंपल सा ओपन करके दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ये यहाँ पर ओपन हो गया है एंड देख सकते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो जो है वो यहाँ पर पूरा तरीके से प्ले भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जरूर पता चल गया है कि ये जो वीडियो मैंने यहाँ पर प्ले किया है ये कोई फेक वीडियो नहीं है। फ्रेंड्स ये मेरा ओरिजिनल यहाँ पर देख सकते हैं कि एसडी कार्ड का काइन मास्टर का एक्सपोर्ट वाला जो फाइल क्रिएट किया था उसके अंदर से ही मैंने प्ले करके आपको दिखाया है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा आज का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने क्रिएट किया है ये आपको जरूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स अगर हमारा इस तरह का नया नया टेक्निकल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है तो जल्दी से हमारा लर्निंग टेक्निकल 2.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स अगर हमारा आज का वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारा आज का वीडियो को जो है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड फ्रेंड्स आपके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया टेक्निकल एंड इन्फॉर्मेटिव आइडिया लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।